हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल रानी किचन विद ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो इतने बड़े बर्तन को देखकर आप लोग शॉक में होंगे कि हम क्या बनाने वाले हैं, आज क्या बना रहे हैं हम लोग। चलिए देखिए आप लोग भी। तो क्या बना रहे मम्मी आज हम लोग? आज हम लोग फ्रूट कस्टर्ड बना रहे हैं। तो आज हम लोग सेमिया फ्रूट कस्टर्ड बनाएंगे। तो ये सारे फ्रूट्स हमने रखा हुआ है यहाँ पे, तो पूरा रेसिपी हम शेयर करेंगे आप लोग के साथ। और आप लोगों को पता है गणेश पूजा चल रहा है, तो गणेश चतुर्थी का भोग हम लोग बना रहे हैं यहाँ पे। तो आज का भोग मम्मी प्रिपेयर कर रही है फ्रूट कस्टर्ड के तौर से। आइए दिखाते हैं आपको कौन कौन से फ्रूट्स हैं इसमें। और कस्टर्ड बनाते कैसे हैं मम्मी? वही मिल्क बॉयल करेंगे, मिल्क बॉयल करके उसमें फिर कस्टर्ड डालेंगे, फिर सारे फ्रूट्स को कट करके डालेंगे, हमारा कस्टर्ड तैयार हो जाएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। गाइस, ये सारे हमारे फ्रूट्स हैं। तो कौन कौन से फ्रूट्स हैं मम्मी? ये एप्पल है, ये ग्रेप्स हैं, ये बनाना केला, और ये अनार लिए हैं हम लोग, और साथ में ये चीनी लिए हैं, 2 kg चीनी है, और ये कस्टर्ड पाउडर है। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये हमने 10 लीटर मिल्क लिया है जिससे हम कस्टर्ड बनाएंगे। और मम्मी देखिए हलवाई की तरह बना रही है, ये मास्टर चेफ लोग बना दिए हैं। देखिए फ्रेंड, दूध में बॉयल आ चुका है, आप लोगों ने देख लिया है। ये दूध हम निकाल के रखे थे, इसमें कस्टर्ड इसमें मिक्स करेंगे। अभी ठंडा हो रहा है दूध, अभी बहुत ही हीट है। और ये सेमिया को हमने पहले ही रोस्ट करके रख लिया था, भून लिया था। देखिए किसमें रोस्ट किया मम्मी सेमिया को? घी में, थोड़ा घी डाल करके इसको अच्छे से फ्राई कर लीजिएगा। और सारे को मिल्क में हम लोग डाल देते हैं। तो सारा सेमिया हमारा दूध में डला चुका है रोस्ट किया हुआ। इससे टेस्ट और टेक्सचर बहुत ही अच्छा दिखेगा हमारे कस्टर्ड का, क्योंकि हम सेमिया फ्रूट कस्टर्ड बना रहे हैं। सभी को इसमें डाल दिए, उसको अच्छे से चलाते हुए पका लेंगे। सेमिया जब पक जाएगा, भाई उधर चला रहा है मेरे दूध को, सेमिया को पका रहा है, लेकिन वो चेहरा दिखाने के लिए तैयार नहीं है मेरा बेटा। इसमें जब तक ये हमारा खीर बन रहा है, तैयार हो रहा है सेमिया का, तब तक इसमें हम लोग कस्टर्ड को मिक्स कर लेते हैं। कस्टर्ड देखिए हमने घोल के निकल दिया है, पूरे अच्छे से घुल चुका है इसमें दूध में। देखिए कितना अच्छे से घुला है, परफेक्ट पूरा घुल चुका है। खीर भी हमारा पक गया है, सेविया जो डाले थे उसमें। अब चीनी डाल देते हैं, ये 2 kg चीनी है, 10 kg मिल्क में, 2 kg चीनी, सभी को डाल दे रहे हैं। ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं क्योंकि भोग बना रहे हैं प्रसाद के लिए, इसीलिए मेरा बेटा चला रहा है। अब इसको चला के बना रहे हैं, इसको पूरा अच्छे से पक जाएगा, चीनी भी पक जाएगा, तब हम लोग कस्टर्ड डालेंगे। चीनी जो हम लोगों ने डाला था, पूरा चीनी भी अच्छे से पक चुका है। अब हम लोग कस्टर्ड जो घोल के रखे थे उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छे से देखिए मिक्स कर दिए हैं अंदर, क्योंकि चिपक जाता है रखने से। अब थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। आज भोग के लिए बना रहे हैं प्रसाद, इसीलिए इतना बना रहे हैं हम लोग। इसको लास्ट में भी मिक्स करके, लास्ट में जो भी है अंदर चिपक जाता है। इसको 2 से 3 मिनट के लिए और पकाएंगे, उसके बाद बन करके तैयार हो जाएगा। फिर फ्रूट्स को सारा कट करके इसमें डालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, कस्टर्ड बन करके तैयार हो चुका है, पूरे अच्छे से बन गया है, पूरा गाढ़ा भी हो गया है। इसको उबलते हुए 2 मिनट हो गया है। देखिए किस तरह से उबाल आ रहा है, बहुत ही सुंदर खुशबू आ रहा है, और भगवान का प्रसाद है तो अच्छा बनेगा ही। अब इसको ठंडा होने देते हैं हम लोग, पूरा ठंडा होने के बाद इसमें सारे फ्रूट्स कट करके डालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग अब फल का
करने जा रहे हैं कस्टर्ड के लिए। सारी हमारी फ्रेंड है, ये हमारी बगल में रहती है दीदी। दीदी हाय तो बोल दीजिए, हाय करिए। ये भी दीदी हमारे सामने में रहती है, हमारी फ्रेंड है दोनों। हम लोग फ्रूट काट रहे हैं, आप लोग भी देखिए किस तरह से बनाते हैं कस्टर्ड को, फाइनली देते हैं। जय गणेश देवा। देखिए फ्रेंड्स, सारा फल हमारा है, सारी फ्रेंड मिल करके हम लोगों ने काट लिया सारे फल को। क्या क्या काटा है आप तीनों ने मिलके? बताइए दीदी क्या काटे हैं? एप्पल काटा है, बनाना काटा, पोमोग्रेनेट काटा है, ग्रेप्स काटा है। और सभी को कस्टर्ड करेंगे, फिर बना करके हम लोग भगवान को भोग लगाएंगे। ये हम लोग कस्टर्ड में सारा फ्रूट्स ऐड करते हैं। देखिए कस्टर्ड हमारा गाढ़ा हो चुका है, बन के तैयार है। अब इसमें सारा फ्रूट्स को डालते हैं, एप्पल, बनाना, दीदी को जोर लग रहा है मिलाने में, इसलिए ताकत से मिल नहीं रहा है, अच्छे से मिलाइए। अनार इसको मिला दीजिए दीदी। अच्छा देखिए पूरा मिला दी है, डालो ग्रेप्स, डालो। अब ये लास्ट ग्रेप्स, कितना सुंदर दिख रहा है। भगवान का भोग है तो अच्छा लगेगा ही, बहुत टेस्टी बना है। दिखने में इतना सुंदर है तो टेस्टी कितना होगा बताइए। बिल्कुल, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा खाने में, टेस्टी है कि नहीं। आप लोग भी बनाइएगा इस तरह से घर में और बताइएगा कैसा खाने में लगा। बन के तैयार है फ्रूट कस्टर्ड, सेमिया फ्रूट कस्टर्ड। हाँ, सेमिया फ्रूट कस्टर्ड।